वेलकम स्टूडेंट्स टू द ऑनलाइन क्लासेस वेलकम स्टूडेंट्स दिस इज रेनू खैरा जानी एंड टूडेज टॉपिक इज एनिमल्स अराउंड अस चैप्टर सेवन एनिमल्स अराउंड अस स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है दिस इज ऑल अबाउट एनिमल्स जानवरों के ऊपर ये चैप्टर है हमारे आस पास हम तरह तरह के जानवर देखते हैं जितने भी हम एनिमल्स देखते हैं स्टूडेंट्स उन सबकी क्वालिटीज अलग होती हैं क्वालिटीज़ इन सेंस की अगर हम क्वालिटीज़ की बात करें और उनका शेप देखें उनका साइज़ देखें उनके अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो उनमें भी काफ़ी काफ़ी डिफरेंस होता है देयर आर देयर इज़ अ वेरायटी ऑफ एनिमल्स अराउंड अस सम आर बिग वाइल्ड सम आर स्मॉल सम लिव इन फॉरेस्ट वाइल्ड सम आर फाउंड जस्ट अराउंड अस यानी कि हम अपने आसपास डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के एनिमल्स देखते हैं कुछ बहुत बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और कुछ ऐसे जानवर होते हैं स्टूडेंट्स जो हमारे घर के आस होते हैं कुछ एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं कुछ एनिमल्स जंप करते हैं कुछ ज़मीन पे भागते हैं कुछ ऐसे हैं जो फ्लाई करते हैं एयर में और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि पोला बियर्स और री इंडियर्स ये स्नो में रहते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे उन एनिमल्स की जिनकी बॉडी पर आपको बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं यानी कि सम एनिमल्स लाइक डॉग्स कैट्स एंड शिप हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो डॉग कैट और शिप इनकी बॉडीज़ में बॉडीज़ पर बाल होते हैं डू यू हैव हेयर ऑन योर बॉडी यानी कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ क्या आपकी आपके बॉडी पर हेयर हैं तो वॉट वुड वॉट विल बी योर आंसर यू विल से येस हमारी बॉडी में भी हेयर्स होते हैं सम एनिमल्स लाइक काउज डियर एंड गॉट्स हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स आप जब भी आप काओ को देखते हो या जब डियर को देखते हो या गॉट को देखते हो तो आप क्या देखते हो इनके क्या देखते हो उनके सर पर इनके सर पर हम देखते हैं कि दो हॉर्न्स होते हैं यानी कि दो सींग होते हैं ठीक है जैसे कि आपको इन पिक्चर में दिखाई दे रहा है काओ डियर एंड गॉट के सर पे क्या है स्टूडेंट हैं हॉर्न्स यानी कि उनके सर पर सींग होते हैं

इन सा इन सब एनिमल्स के आपको कान दिखाई देंगे बाहर से जैसे कि हमारे कान आपको दिखाई देते हैं सामने से अगर आप देखोगे तो हमारे कान आपको दिखाई देंगे आपको अपने कान भी दिखाई देंगे उसी तरीके से इन इन एनिमल्स के जैसे एलिफेंट रैबिट डियर और जो रैट होते हैं इनके ईयर्स आपको दिखाई देते हैं दे हैव ईयर्स आउटसाइड देयर बॉडीज़ यानी कि उनके बॉडीज़ के बाहर इनके ईयर्स होते हैं यू कैन नॉट सी द ईयर्स इन सम एनिमल्स लाइक फिश हैंस एंड फ्रॉग्स लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते हैं जैसे कि एग्जाम्पल क्या है फ़िश हैन एंड फ्रॉग नाउ स्टूडेंट्स एक एक्टिविटी वन है उसमें ये पूछा है ट्राई टू फाइंड आउट इफ़ द एनिमल्स हैविंग ईयर्स आउटसाइड देयर बॉडीज़ ऑल्सो हैव हेयर ऑन देयर बॉडीज राइट द नेम्स ऑफ टू सच एनिमल्स यानी कि आपको क्या करना है स्टूडेंट दो ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके कान भी आपको बाहर से दिखाई देते हैं उनकी बॉडीज से और उनके हेयर्स भी होते हैं बॉडीज़ में आपको दो एनिमल्स के नाम इस एक्टिविटी वन पर लिखने हैं Do we also come in the same category? क्या आप भी human beings भी क्या इन्हीं की तरह होते हैं Yes, हमारे कान भी हमें अपनी body के outside दिखाई देते हैं और हमारे body पर भी क्या होते हैं students hair होते हैं Many animals have tails which they use in different ways. Students बहुत सारी animals की जो tails होती हैं यानी कि जो उनकी पूछ होती है उनसे वो अलग अलग तरीके का काम करते हैं अगर हम मंकी की बात करें मंकी अपनी टेल को कैसे यूज़ करता है जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है आपको कि वो अपनी टेल से जो ट्री की जो ब्रांच होती है उसको होल्ड करने के काम करता है किंगारू क्या करता है किंगारू अपनी टेल को यूज़ करता है बैलेंस यानी कि अगर आप देख रहे हो इस पिक्चर में तो केंगारू अपनी टेल से एज अ स्टूल यानी कि स्टूल की तरह स्टूल पे जैसे हम बैठते हैं वो उसी तरीके से बैठता है उस तरीके से अपनी टेल की हेल्प से वो बैलेंस करता है अपनी बॉडी को काउस एंड हॉर्सेज यूज़ देयर टेल्स टू गेट अ गेट रिड ऑफ फ्लाइज यानी कि जो काउ और जो हॉर्सेज होते हैं वो अपनी पूछ का क्या करते हैं जब उन्हें कोई मक्खियाँ या कोई इंसेक्ट या कुछ भी कोई परेशान करता है तो अपनी वो टेल को इस तरीके से हिलाते हैं इस तरीके से उन मक्खियों को हटाने के लिए वो अपनी टेल को यूज करते हैं डैग सॉरी कैट्स डॉग्स एंड लाइन यूज देयर टेल्स टू तो टेल हाउ दे फील यानी कि कैट डॉग और लाइन ये जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी टेल्स को इसलिए यूज करते हैं कि वो अपनी फीलिंग बता सके ठीक है यानी कि जब डॉग बहुत खुश होता है तो वो, वो अपनी टेल सीधी कर लेता है बिल्कुल ठीक है इस तरीके से इन लोगों की फीलिंग्स भी अलग होती है और वो अपनी टेल के थ्रू आपको बताते हैं कि वो किस तरीके का इस समय फील कर रहे हैं ठीक है स्कॉर्पियन यूजेस इट्स टेल एज वेपन यानी कि जो आपका बिच्छू होता है वो अपनी टेल को यूज करता है एज अ हथियार यानी कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है ऑल बर्ड्स हैव विंग्स विच दे यूज फॉर फ्लाइंग बैट्स आर बैट्स एंड सम इंसेक्ट्स ऑल्सो हैव विंग्स यानी कि हर बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो फ्लाई करते हैं यानि कि वो आसमान में उड़ते हैं और बैट्स और आपके कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं ज, यानि कि बैट्स और कुछ इंसेक्ट्स भी आपके ऐसे होते हैं जिनके पास भी विंग्स यानी कि पंख होते हैं नाउ एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पिजन स्पैरो आउल ईगल बैट फ्लाई एंड लास्ट इज़ मॉस्किटो स्टूडेंट्स अब मुझे लगता है कि इतना हमने जो पढ़ा है उससे आप ये एक्टिविटी नंबर टू आराम से कर सकते हैं इसमें क्या है अब ये आप सुनिए

सोचो दिस इज़ योर एक्टिविटी दिस इज़ योर एक्टिविटी आपको ये खुद करना पड़ेगा रीड करने के बाद ठीक है बहुत सिंपल है हैव हॉर्न्स ऑन हेड्स सर सर पर किन के सींग होते हैं डू नॉट हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड्स आपने कौन सा एनिमल देखा है जिसके सींग नहीं देखे आपने यू कैन सी दयर्स यानी कि आप किसके कान देख सकते हो किसके कान आपको नहीं दिखाई देते हैं किसकी पूछ होती है किसकी पूछ नहीं होती है किसके पास पंख होते हैं उड़ने के लिए आई थिंक दिस इज़ वेरी सिंपल और अभी हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करी थी एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस दे आर फाउंड ऑन लैंड फ्लाइंग इन द एयर ऑन द ट्रीज इन पॉन्स एंड लेक्स यानी कि एनिमल्स आपको डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे दिखाई देते हैं और मिलते हैं जैसे कि कुछ आपको लैंड पे मिलेंगे कुछ आपको एयर पे मिलेंगे कुछ आपको ट्रीज पे दिखाई देंगे कुछ आपको पॉन्ड्स में और लेक्स पर मिलेंगे जैसे कि कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखो बच्चों वाटर एनिमल्स जो हमें कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स पानी में मिलते हैं यानी कि वो पानी में रहते हैं फिश हुआ डक हुआ टोरेटोइस हुआ एंड क्रोकोडाइल ये सब आपके एग्जाम्पल किसके हैं वाटर एनिमल्स के नाउ स्टूडेंट्स एनिमल दैट लिव ऑन लैंड यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं जैसे कि आपका एलिफेंट हुआ डियर हुआ टाइगर हुआ शीप हुआ गौट हुआ जेब्रा ये सारे के सारे एनिमल्स कहाँ होते हैं क्या आपने इनको पानी में देखा है नो दे आर नाट वाटर एनिमल्स दे आर लैंड एनिमल्स ये ज़मीन पर रहते हैं ओके okay? अब हम बात करेंगे उन एनिमल्स की जो पेड़ पर आपको दिखाई देते हैं यानी कि वो पेड़ पर रहते हैं जैसे कि आपका मंकी स्क्वरल पैरट एंड हनी बीज बंदर गिलहरी, तोता और हनी बीज ये सब कौन से एनिमल्स हैं बच्चों ये सब पेड़ पर रहते हैं इनका घर क्या है इनका घर ट्री है एनिमल्स डेट फ्लाई इन द एयर यानी कि अब हम उन एनिमल्स की बात करेंगे जो फ्लाई करते हैं कहाँ पर एयर पर एयर एयर में फ्लाई करते हैं यानी कि दैट दे फ्लाई इन द एयर कौन कौन से आ, उड़ सकते हैं हवा में जैसे कि आपका काइट ईगल क्रो मैना एंड स्पैरो ये सारे के सारे जो आपके बर्ड्स हैं वो ओढ़ सकते हैं नाउ स्टूडेंट्स uh, एक छोटी सी एक्टिविटी है ये भी राइट द नेम्स ऑफ थ्री एनिमल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स यानी कि आपको तीन सर्कल्स दे रखें आपको इन तीनों में थ्री थ्री एनिमल्स के नाम लिखने हैं फर्स्ट वन है एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर स्टूडेंट अभी मैंने पढ़ाया था आपको यानी कि तीन एनिमल्स के आपको नाम लिखने हैं जो फ्लाई कर सकते हैं एयर पे यानी कि जो एयर में फ्लाई करते हैं सेकेंड इज एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड यानी कि जो ज़मीन पर रहते हैं और थर्ड सर्कल है आपका एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यानी कि जो पानी में रहते हैं